तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो चैप्टर टू हम पढ़ रहे थे बॉयलर्स का, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम लगाने वाले हैं। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का ही हमारा टॉपिक था, दैट इज बॉयलर। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम प्रीवियस वीडियोस में हम बॉयलर्स का काफी थियोरिटिकल चीजें पढ़े, और लगभग मैंने 1.45 आवर्स का वीडियो बना, लगभग 1.5 घंटे के आसपास वीडियो मैंने बनाया था। इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कराऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाला हूं, जो भी, और आप देखना जो भी क्वेश्चंस यहां पे आए हैं इससे पहले एसएससी जेईई में, वही सब टॉपिक मैंने आपको भी पढ़ाया है इस चैप्टर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहां पे देखते हैं गाइस कुछ क्वेश्चंस बॉयलर्स का। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है लोकोमोटिव टाइप ऑफ बॉयलर इज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर वॉल एनक्लोज्ड फर्नेस टाइप, वर्टिकल ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप, या हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप। अब देखिए मैं आपको इसको जो मेरे नोट्स में, देखिए क्या पढ़ा था मेरे नोट्स में, जब हम नोट्स में पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में हमने पढ़ा था फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर में हमने क्या पढ़ा था कि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, जो हमारा ट्यूब होता है उस ट्यूब में हॉट गैसेस रहते हैं और वाटर हमारा कंटेनर में रहता है। तो हॉट गैसेस वाला जो पाइप है, ट्यूब में हॉट गैसेस होता है और वाटर कॉन्टेक्ट में आता है तो वो इवापोरेट होने लगते हैं वाटर। तो इसी में हमारा एग्जाम्पल होता है कोकरन एंड लोकोमोटिव टाइप। ठीक है, तो ये नीचे जो है ये हमारा है, दैट इज देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लू कोल जलता है तो फ्लू गैसेस निकलते हैं, ये पाइप से जाते हैं, कंटेनर में वाटर होता है, पाइप के कॉन्टेक्ट में वाटर होता है तो स्टीम यहाँ बनता है और स्टीम यहाँ से आउट होता है एंड फ्लू गैसेस फिर वो चिमनी से बाहर चली जाती है। इसको ही हम लोग लैंकैशियर बॉयलर या फिर इसी को हम लोकोमोटिव बॉयलर बोलते हैं। तो ये क्या कैसा होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यस इट इज अ हॉरिजॉन्टल टाइप, हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप। ठीक है, तो कोकरन बॉयलर ये सब सारे के सारे हॉरिजॉन्टल ट्यूबिंग होता है। इसमें मैंने भले आपको वर्टिकल में दिखाया बट रियल में ये हॉरिजॉन्टल में ही ये चीजें रहती है। ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैंने इसको इस तरीके से बनाया था। लैंकेशियर बॉयलर इज अ टाइप ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर, अभी मैंने बताया कि इसको ही हम लैंकेशियर ही बोलते हैं। जब मैं आपको बता रहा लोकोमोटिव बॉयलर पढ़ा रहा तब यहाँ पे फ्लैश कर रहा था चीजें, तो उसमें मैंने बताया था क्या होता है हमारा लैंकेशियर बॉयलर। हाँ, वाटर ट्यूब बॉयलर आर दोज, क्या कैसा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, क्या पढ़ाया था, वाटर ट्यूब बॉयलर ऐसे बॉयलर होते हैं ट्यूब के अंदर वाटर, इट इज अ वाटर टाइप ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वाटर पासेस थ्रू अ ट्यूब, यस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कोकरन बॉयलर। तो कोकरन बॉयलर कैसा बॉयलर होता है, हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब बॉयलर, वर्टिकल वाटर ट्यूब बॉयलर, या वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। तो अगर नोट्स आप नोट्स में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने देखिए यहाँ पे फायर ट्यूब का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कोकरन और लोकोमोटिव लैंकेशियर सब एग्जांपल है फायर ट्यूब बॉयलर का, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोकरन बॉयलर दिखा दे रहा हूँ। कोकरन बॉयलर कैसा होता है, तो ये वोलेक्स क्या था, वेलॉक्स बॉयलर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था लो प्रेशर में, दैट इज कोकरन बॉयलर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का बॉयलर होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, इस तरीके से ट्यूब लगे होते हैं, फ्लू गैसेस आता है ट्यूब से और वाटर कंटेनर में होता है, इवापोरेट होकर निकलता है। तो कोकरन बॉयलर, तो कोकरन बॉयलर हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब बॉयलर, वर्टिकल वाटर ट्यूब बॉयलर, या वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर कैसा होता है बताइए। यस इट इज अ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, जो ट्यूब होता है वो हॉरिजॉन्टली रखा होता है। ठीक है, भले बॉयलर हमारा वर्टिकल हो बट द ट्यूब इज इन हॉरिजॉन्टल स्टेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये तो वर्टिकल है बट हॉरिजॉन्टली हमारा ट्यूब रखा हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है फंक्शन ऑफ ब्लो डाउन कॉक ऑफ अ बॉयलर, तो ब्लो डाउन कॉक का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जो हमारा टैंक होता है, जो ड्रम होता है, ये देखिए जो ड्रम होता है जिसमें हमारा ये बॉयलर का जो ये ड्रम होता है जिसमें हमारा क्या होता है, वेट वाटर भी होता है, फ्लूइड भी होता है और लिक्विड भी होता है, ड्रम में कलेक्ट करके रखते हैं, फिर वो वहाँ से ट्रांसफर होता है, पानी नीचे चला जाता है, गैसेस ऊपर चले जाते हैं तो फिर निकल के, है ना, ये ड्रम, इसी यही इस ड्रम में, इस ड्रम को साफ करने वाला डिवाइस। ठीक है, टू रिमूव स्लज एंड सेडिमेंट्स कलेक्ट इन ड्रम, उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लो डाउन कॉक यूज करते हैं बॉयलर में। ठीक है, तो जो सेडिमेंटेशन क्या होता है, सॉल्ट वगैरह क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है ड्रम के यहाँ पे बेस में, इसको साफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके,
आगे है लैंकेशियर बॉयलर। इज ए लैंकेशियर बॉयलर कैसा था, लोकोमोटिव बॉयलर को ही कहते हैं, तो कैसा हो जाएगा, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है द स्टीम इन बॉयलर ड्रम इज ऑलवेज वेट एयर ड्राई। बॉयलर ड्रम जो है इसमें जो स्टीम रहता है कैसा रहता है, वेट और ड्राई दोनों रहते हैं, मिक्सिंग रहते हैं, मिक्स रहते हैं। फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग फॉर स्टीम बॉयलर इज एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ बिस्मुथ, लीड एंड किसका, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन। टिन का जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो बिस्मुथ, लीड और टिन से मिलकर बनता है। फ्यूजिबल प्लग हम यूज कहाँ करते हैं, देखो सारे बॉयलर में यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूजिबल मैं आपको लोकोमोटिव बॉयलर का दिखा रहा हूँ, फ्यूजिबल प्लग ये देखिए, ये हमारा है, ये फ्यूजिबल प्लग लोकोमोटिव बॉयलर में हम यूज करते हैं। ठीक है, और भी बॉयलर में यूज करते हैं। तो ये कहाँ रहता है हमारा, जहाँ पे कोल बर्न करते हैं ना वहीं पे होता है। ये तीन मेटल से मिलकर बनता है, तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है। और ये क्या होता है कि जब इस चैम्बर का गैस बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, तो पाइप को नुकसान होगा, पाइप लीक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर लिमिट होता है इनका, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ये क्या होता है, फ्यूजिबल प्लग हमारा मेल्ट हो जाता है और सारा का सारा जो पानी है अंदर आ जाता है, और जो हमारा कोल वाला पार्ट में गिरता है तो हमारी जो आग है वो बुझ जाती है। ठीक है, हमारी नहीं मतलब बॉयलर की आग बुझ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिर बॉयलर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। अगला है, इन अ वाटर ट्यूब बॉयलर द फ्लू गैसेस फ्लो थ्रू द फॉलोइंग एक्सेसरीज, सुपर हीटर, आईडी फैन, एयर हीटर या इकोनोमाइजर। तो देखिए सबसे पहले कोई भी बॉयलर ले लेते हैं, कोई भी बॉयलर, वाटर ट्यूब नहीं, वाटर ट्यूब में तो मैं लेमोंट बॉयलर को ले लिया। हाई प्रेशर बॉयलर जनरली वाटर ट्यूब ही होता है, तो मैंने लेमोंट बॉयलर लिया। तो देखो लेमोंट बॉयलर में क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट है यहीं पे तो हम फ्लू गैस, यहीं पे कोल वगैरह रखकर हम बर्न, कोल यहाँ पर रखा होता है, यहाँ बर्न करते हैं तो फ्लू गैसेस निकलता है, कहाँ जाता है, सुपर हीटर में जाता है। दो सुपर हीटर है, एक कन्वेक्टिव सुपर हीटर, एक रेडिएंट सुपर हीटर। उसके बाद इकोनोमाइजर में जाता है ना, इकोनोमाइजर के बाद कहाँ जाता है, उस इकोनोमाइजर के बाद जाता है एयर फिल्टर में, इकोनोमाइजर के बाद जाता है एयर फिल्टर में, एंड देन आईडी फैन के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है, यहाँ पे आईडी फैन फैन लगाओ, इस तरीके से एक फैन लगा रहता है, आईडी फैन फ्लू गैसेस को घिसता है और बाहर फेंकता है। ठीक है, तो आप किस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं, इस तरीके सेट कर सकते हैं, सबसे पहले सुपर हीटर में जाता है, और वो चाहे आपका रेडिएंट हो चाहे कन्वेक्टिव हो, सुपर हीटर में पहले जाता है, फिर वो इकोनोमाइजर में जाता है, फिर एयर हीटर में जाता है, एंड देन आईडी फैन से बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला है, सेफ्टी वाल्व यूज विथ लोकोमोटिव बॉयलर इज ऑपरेटेड बाई सेफ्टी, लोकोमोटिव बॉयलर में जो सेफ्टी वाल्व यूज करते हैं, तो लोकोमोटिव बॉयलर कहाँ गया, यही हमारा लैंकेशियर बॉयलर, कॉकरन वाले। तो यहाँ पे जो हमारा रैम बोस्टन सेफ्टी वाल्व है, देखो ये स्प्रिंग लोडेड है ना, स्प्रिंग लोडेड, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेफ्टी वाल्व जो होता है लोकोमोटिव बॉयलर का वो स्प्रिंग लोडेड होता है। ठीक है, अगला है, इन अ बॉयलर द फीड चेक वाल्व, फीड चेक वाल्व इज यूज टू कंट्रोल फीड वाटर फ्लो रेट, फीड वाटर फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए हम फीड चेक वाल्व का यूज करते हैं। जैसे ये बॉयलर ले लीजिए, लेमेंट बॉयलर लिया, तो फीड पंप से जो पानी अंदर आता है इकोनोमाइजर में जाता है, फिर इस तरीके से नीचे आता है, फिर इसमें आता है, फिर निकलता है ना, फीड पंप से पहले पानी जो फीड पंप में जो इस मोटर में जो पानी आता है उसी में हमारा लगा होता है फीड चेक। तो किस फ्लो रेट से अंदर भेजना है पानी, ज़्यादा तेजी से भेजें तो वो अच्छी तरीके से हीट नहीं होगा, बहुत स्लो भेजें तो स्टीम ढंग से पहुँच नहीं पाएगा वहाँ तक। ये फीड वाल्व चेक क्या करता है, जनरली वाटर के फ्लो को मेंटेन करता है। मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन द लोकोमोटिव बॉयलर, तो लोकोमोटिव बॉयलर जब मैं पढ़ा रहा था तब क्या बताया था, लोकोमोटिव बॉयलर दैट इज फायर ट्यूब बॉयलर होता है, स्मॉल स्टीम रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं, प्रोड्यूस सैचुरेटेड स्टीम अबाउट 18 बार तक। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको 18 बार मिल रहा है, आप टिक कर सकते हो, लेकिन याद रखना 18 बार जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल स्टीम जनरेटेड है बाय द लोकोमोटिव बॉयलर, बट अगर मैक्सिमम की बात करें तो आंसर आप 25 टिक करना। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो इसका आंसर 25 हो जाएगा, अगर मैक्सिमम नहीं पूछता जस्ट क्वेश्चन इसके अलावा मैक्सिमम के अलावा काट दो, बाकी सब चीजें पूछता तो 18 आप टिक कर सकते थे। ठीक है, बट अभी 25 टिक करना इस क्वेश्चन के लिए। आगे हैं, व्हाट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉजेस टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस याद करो, क्लास 8 9 10th में आप पढ़े थे कैसे होता है हार्डनेस, कैल्शियम के कौन से सॉल्ट से, क्लोराइड से, नाइट्रेट से, सल्फेट से, बाइकार्बोनेट से। यस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से हमारा हार्डनेस आता है पानी में, है ना। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, यही सॉल्ट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉल्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग, तो बॉयलर माउंटिंग क्या होता है पहले ये समझो। बॉयलर माउंटिंग का मतलब बहुत लोग क्या समझेंगे कि बॉयलर में भाई
सब तो होता है, सेफ्टी वाल्व, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, फीड पंप, सब तो होता है। तो बॉयलर के टर्म में अगर माउंटिंग की बात पूछे तो बॉयलर माउंटिंग का मतलब होता है वैसे इक्विपमेंट, बॉयलर के वैसे इक्विपमेंट जो सेफ्टी का काम करते हो, जैसे सेफ्टी वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, ठीक है, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, ये सब आ जाएगा जो सेफ्टी का काम करे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट प्रेशर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, सुपर हीटर। इकोनोमाइजर, फ्यूजिबल प्लग का तो कोई लेना है, ब्लो ऑफ का कोई लेना ही देना नहीं। इकोनोमाइजर क्या करता है, धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाता है, टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाता है, साथ में प्रेशर भी बढ़ाता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम का इंक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे याद करो, उसके बाद ये क्वेश्चन है, चलो मैं पेज पे चलता हूँ, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ क्यों सुपर हीटर होगा। जो हमारा सुपर हीटर होता है क्या, उसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम आपको याद होगा, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये मैंने लाइन बनाया, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, ओके दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो हमारा इस तरीके से ग्राफ बनता है, पी वन प्रेशर वन वाले के लिए, प्रेशर टू पे हमारा ग्राफ इस तरीके का बनता है, प्रेशर थ्री के लिए हमारा इस तरीके का बनता है। तो प्रेशर वन पे प्रेशर तो सेम रहता है, बट ये हमारा सैचुरेटेड गैस लाइन है, यहाँ से टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना, प्रेशर सेम, टेम्परेचर लेकिन चेंज होना किसका, सुपरहीटेड सैचुरेटेड स्टीम का, तो सुपरहीटेड स्टीम में बदलना, प्रेशर सेम होता है बट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब सैचुरेटेड स्टीम जो है, सैचुरेटेड स्टीम जो है वो सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा कौन करता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सुपरहीटर ही करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट इवापोरेशन आपको फाइंड करना है, इक्विवेलेंट इवापोरेशन फाइंड करना है, केजी पर आवर इसका यूनिट होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट वीडियोस में, ऑफ बॉयलर प्रोड्यूसिंग 200 किलो जूल पर आवर, ठीक है, ऑफ स्टीम विथ एंथैल्पी कंटेंट इज इतना 2426 किलो जूल पर केजी ऑफ फॉर फ्रॉम फीड वाटर एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस वेयर लिक्विड एंथैल्पी विल बी 168 किलो जूल पर केजी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ये आपको फाइंड करके बताना है। तो डायरेक्ट आप पुट करोगे, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को हम लोग एम ई से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का, दैट इज एम ए, ठीक है। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ इक्विवेलेंट ही पूछा है ना, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का रेट है, तो एम ई से फॉर्मूला होता है एम ए एच माइनस एच एफ वन अपॉन एच एफ टू लिखते हैं, या फिर एच एफ जी कुछ भी लिख सकते हैं, एच एफ टू भी इसको लिख सकते हैं, ओके इस फॉर्मूला में पुट करना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कितना केजी पर आवर क्या रेट है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फॉर अ बॉयलर प्रोड्यूसिंग इतना किलो किलो पर आवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो मास ऑफ एयर क्या हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ स्टीम एक्चुअली दैट इज 2000, एच क्या है, एच हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ स्टीम पर केजी अंडर जनरेटिंग कंडीशन, जनरेटिंग कंडीशन का एंथैल्पी, तो क्या है स्टीम विथ एंथैल्पी कंटेंट 2426, ये जनरेटिंग स्टीम हो गया 2426, माइनस एचएफ1 क्या है, फीड वाटर का टेम्परेचर, फीड वाटर का एंथैल्पी, तो फीड वाटर एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंथैल्पी कितना है, 168 है ना, तो ये हो गया फीड वाटर की एंथैल्पी अपॉन क्या है, अपॉन एचएफजी, एचएफजी क्या है, गैस इवापोरेटिंग गैस का एंथैल्पी, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर दैट इज यही है इवापोरेशन ऑफ गैस वाटर का एंथैल्पी 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 2258, इसको आप सॉल्व करोगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2000 के आसपास केजी पर आवर इक्विवेलेंट इवापोरेशन, ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। थ्योरेटिकल वीडियोस नहीं देखे हो मेरे गाइस, जाकर एक बार वीडियोस देख लो, देखो जो भी चीजें एसएससी जेई में अभी 10 ये प्रीवियस 10 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, 10 साल का ये पेपर है इस बॉयलर टॉपिक से, जितने भी 10 साल में जितने भी क्वेश्चन बने एसएससी जेई में सारे क्वेश्चन में करा रहा हूं, और आप देख लो ऐसा एक भी क्वेश्चन इसमें आपको अभी तक तो नहीं मिला होगा जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं पढ़ाया, एक ही वीडियो है, डेढ़ घंटे का वीडियो, थोड़ा टॉपिक लेंदी है, डेढ़ घंटे का वीडियो है, बट मैंने आपको हर एक चीज जो भी काम का चीज है मैंने आपको पढ़ा रखा है। So, पहले थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने आया, अदरवाइज बहुत सारी कंफ्यूजन होगी और मैं वीडियो में तो कंफ्यूजन फिर दिक्कत होगा, मुझे क्या पता आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीजें आपको बताने का। ये क्वेश्चन हो गया, आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल बिलो अ मिनिमम लेवल,
सेफ्टी पार्ट, फ्यूजिबल प्लग, ब्लो, वाटर लेवल इंडिकेटर, एक ही बार में भाई यार डायरेक्ट मारो स्टिक, ठीक है। एक सॉरी 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 क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल बिलो अ मिनिमम लेवल। ओके, यही गलती होता है। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है, वाटर लेवल इंडिकेटर इंडिकेट करता है बॉयलर के अंदर कि बॉयलर में कितना पानी है, ठीक है, ये करता है। बट क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर को प्रोटेक्ट करेगा व्हेन वाटर नीचे चला जाएगा। तो क्या होता है गाइज, जब वाटर नीचे चला जाता है, वाटर जब नीचे चला जाता है, जैसे इसी हम बात कर रहे हैं, जब वाटर हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है, पाइप के अटैच में वाटर हमारा नहीं आएगा, तो इस पाइप में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गर्म हवा जाएगी। अब पाइप के अंदर जो गर्म हवा है वाटर के कॉन्टेक्ट में आ नहीं रहा है, स्टीम बन नहीं रहा है, वाटर का लेवल नीचे चला गया, तो क्या होगा, ये जो गर्म हवा है इस पाइप को मेल्ट कर देगा, मेल्ट कर देगा तो फिर तो आपको बॉयलर आपका खराब हो गया। तो ये जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है आपके फ्लू गैसेस चैम्बर का या पाइप का, तो उसमें फ्यूजिबल प्लग होता है जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर सेंस करके वो मेल्ट हो जाता है, और जैसे वो मेल्ट होता है तो पानी आता है और इस कोल के जो फायर है इसको बुझा देता है, ताकि ये हमारा आगे का जो पाइप वगैरह खराब ना हो। तो कौन सा सेफ्टी डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज फ्यूजिबल प्लग। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती अभी करते जा रहा था, ये मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल कन्वेक्शन फायर ट्यूब बॉयलर। देखो बैबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर मैंने आपको पढ़ाया था वाटर ट्यूब बॉयलर में, वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे फोर्सली कन्वेक्शन वाटर ट्यूब, और एक ऑप्शन आपको दिख रहा है वाटर ट्यूब का, और एक दिख रहा है नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब। तो बताइए अगर फोर्सली में क्या हो जाएगा, फैन लगाकर यूज करेंगे, है ना, और नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, नेचुरली पानी जा रहा है। तो बताइए क्या आंसर होगा, कॉमन सेंस लगा बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यस, नेचुरली कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। चलिए, बॉयलर एसेसरीज आर यूज्ड टू एंश्योर इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस के लिए, सेफ ऑपरेशन के लिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए, या इजी मेंटेनेंस के लिए। बताइए बॉयलर एसेसरीज का, एक्स्ट्रा एसेसरीज का क्यों यूज करते हैं। यस, बॉयलर एसेसरीज हम यूज करते हैं ताकि हम बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, इंप्रूव द बॉयलर परफॉर्मेंस, ठीक है। द बेंसन बॉयलर हैज, जो बेंसन बॉयलर होता है क्या होता है, बेंसन बॉयलर कैसा बॉयलर होता है, यस बेंसन बॉयलर इज अ हाई प्रेशर बॉयलर विथ नो बॉयलर ड्रम। बेंसन बॉयलर, चलिए मैं दिखाता हूँ, पहला हमने पढ़ा था लेमेंट बॉयलर, हाई प्रेशर में हमने चार बॉयलर पढ़ा था लेमेंट बॉयलर। तो लेमेंट बॉयलर ये रहा हमारा, देखिए सबसे हाई प्रेशर में हम बॉयलर में हमने पढ़ा था सबसे पहले लेमेंट बॉयलर, ओके, हाई प्रेशर में सबसे पहले पढ़ा था लेमेंट बॉयलर। लेमेंट बॉयलर में देखो स्टीम वाटर ड्रम रहता है। फिर सेकंड में हमने पढ़ा था हाई प्रेशर में ही, सेकंड में हमने पढ़ा था दैट इज बेंसन बॉयलर, जिसमें हमारा कोई वाटर ड्रम नहीं है। यहाँ पे क्या करता है, लिक्विड जो है डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू, क्या है यहाँ पे देखिए लिखा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रेशर ऑफ वाटर इज, प्रेशर भी इंक्रीज होता है टू सुपर क्रिटिकल प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस लेटेंट हीट ऑफ वाटर बिकम जीरो एंड ड्यू टू दिस इट डायरेक्टली चेंज इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग। तो वाटर बॉइलिंग नहीं होता है, डायरेक्ट वाटर जो है कैसा बन उसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में विदाउट बॉइलिंग। ये एक ही कंडीशन हो सकता है जब आप क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है। कैसा क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट, भाई टॉप पे होता है ना, ये देखो टॉप पे होता है, यही तो होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा इस तरीके प्रेशर वन बनता है, फिर प्रेशर टू का लाइन बनता है, फिर प्रेशर थ्री का लाइन बनता है, फिर प्रेशर फोर का लाइन बनता है, जैसे प्रेशर एट वन, प्रेशर एट टू, प्रेशर थ्री, प्रेशर फोर, और यहाँ से जो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ से जो जाएगा वो प्रेशर फाइव होगा। तो यही तो एक पॉइंट है, डायरेक्ट जो लिक्विड है वो डायरेक्ट बीच में वेट वाले में कन्वर्ट होने से होता नहीं है, डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाता है किसी सुपर हीटेड में, लिक्विड कन्वर्टेड इंटू सुपर हीटेड बिकॉज प्रेशर बढ़ा रहे हो आप, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या बता रहा था मैं, बेंसन बॉयलर, ठीक है, ओके ठीक है, मैं कहीं और जा रहा था। तो बेंसन बॉयलर कैसा होता है हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, बेंसन बॉयलर इज नो स्टीम ड्रम, बेंसन बॉयलर के पास कोई भी स्टीम ड्रम नहीं होता है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। वर्टिकल स्टीम ड्रम ये सब, there will be no steam drum, ठीक है, two drum, horizontal steam drum, कोई drum ही नहीं होता। The valve mounted on the boiler which changes the direction of flow of steam by 90 degree
एंड वाल्व फिटेड इन द पाइपलाइन विच अलाउ द स्टीम इन द सेम डायरेक्शन आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड अस स्टोप वाल्व या जंक्शन वाल्व. जंक्शन वाल्व एंड स्टोप वाल्व, जंक्शन वाल्व एट सेफ्टी वाल्व, फीड सेफ्टी वाल्व और स्टोप वाल्व. बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बताइए. यस, जंक्शन वाल्व एंड जंक्शन वाल्व क्या करता है, 90 डिग्री में कन्वर्ट कर देता है. जंक्शन वाल्व जो है, देखिए, अ वाल्व माउंटेड इन द बॉयलर विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाय फ्लो ऑफ स्टीम बाय 90 डिग्री. फ्लो का जो डायरेक्शन है स्टीम का, उसको डायरेक्ट 90 डिग्री में चेंज कर देना. ऐसा कौन, ये जंक्शन वाल्व ये काम करता है. और कौन, और एंड वाल्व फिटेड इन द पाइपलाइन विच अलाउ द स्टीम इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में फ्लो कराने वाले वाल्व क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कौन सा वाल्व, स्टॉप वाल्व. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर माउंटिंग, क्या होता है बॉयलर माउंटिंग बता ही चुका हूँ, एंड नॉट बॉयलर एसेसरीज. तो बॉयलर माउंटिंग वो एसेसरीज होते हैं बॉयलर के जो सेफ्टी पे ध्यान देते हैं. इसमें से बताइए, प्रेशर गेज, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर. इसमें एक ही है हमारा, प्रेशर गेज लग रहा है. प्रेशर गेज जो होता है वही तो हमारा सेफ्टी के लिए काम आता है ना. तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा. यस, ए ऑनली. अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर फायर ट्यूब बॉयलर. क्या एडवांटेजेस है भाई वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर का. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था. यहाँ पे ऑप्शन देखिए, स्टीम एट हायर प्रेशर कैन बी प्रोड्यूस, मोर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब. देखो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है, पहली बात क्या पढ़े थे, वाटर ट्यूब बॉयलर हैव मैक्सिमम हाई प्रेशर जनरेट करता है ना. कहाँ या थ्योरेटिकल पार्ट देखो ना आप, ये देखो मैं आपको नोट्स भी साथ में दिखाते जा रहा हूँ. देखो क्या लिखा है वाटर ट्यूब बॉयलर में, वाटर ट्यूब बॉयलर में इंक्रीज इन बॉयलर प्रेशर एंड कैपेसिटी बोथ. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, मोर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर, सेडिमेंटेशन डिपॉजिट इज मोर. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए. यस, ए ऑनली, स्टीम एट हायर कैन बी प्रोड्यूस. ठीक है, यही एक डिफरेंस क्योंकि इस जो सेडिमेंटेशन है वो दोनों में होता है. ठीक है, मोर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर दोनों में ही है, बट मोर एडवांटेजेस यही मिलता है प्रेशर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, लैंकैशियर बॉयलर, स्कॉच मैरीन बॉयलर, कॉर्निस बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर. वाटर ट्यूब में आता है ना हमारा बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ऑप्शन डी आपको डायरेक्ट मिल गया. ठीक है, चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टीम ट्रैप इन अ बॉयलर. स्टीम ट्रैप का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बॉयलर में, बताइए जल्दी से. यस, ड्रेन ऑफ कंडेंस्ड वाटर accumulating in steam pipeline. ठीक है, स्टीम पाइप में से जो भी कंडेंस वाटर है उसको बाहर निकालने का काम करता है. ठीक है, तो जो कभी कभी क्या होता है पाइप में स्टीम भी रहता है, मॉइस्चर्स भी आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, तो दोनों अगर टर्बाइन में जाना, टर्बाइन का ब्लेड खराब नहीं हो जाएगा. क्या करता है ये हमारा आगे लगा होता है हमारा, दैट इज स्टीम ट्रैप. ये क्या करता है, जो भी उसमें पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, उसको कंडेंस पार्टिकल है स्टीम के, उसको बाहर निकाल देता है और स्टीम को अलग कर देता है. ठीक है, नाउ द हीट लॉस इन बॉयलर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, हीट लॉस कैसा होता है बॉयलर, इन द फॉर्म ऑफ हीट कैरिड अवे बाय फ्लू गैसेस, हीट कैरिड अवे बाय एशेस, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फ्यूल, और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. बताइए क्या हो जाएगा, क्या लगता है क्या आंसर हो जाएगा. सही बात है, जितने जितने ऑप्शन है ये सबके कारण होता है. हीट कैरी फ्लू के साथ कुछ हीट चली जाती है, सही बात है. एस के साथ कुछ हीट चली जाती है, सही बात है. फ्यूल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होना या स्टीम फॉर्म बाय कंबसन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन फ्यूल, बोथ ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट फॉर हीट लॉसेस. चलिए आगे हैं, हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन, किसमें, कौन से बॉयलर में कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है. बॉयलर फर्नेस मेल्टिंग ऑफ, क्या ले, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन इन बॉयलर फर्नेस, मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है और कंडक्शन होता है ना. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन कंडेंसर, ये कन्वेक्शन हो गया. नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए. बॉयलर में तो होता है भाई यार, बॉयलर फर्नेस में. ठीक है,
The diameter of tube for natural circulation boiler as compared to controlled circulation boiler is more less same. क्या होगा बताइए? Yes, it is more. The diameter of tube of natural circulation का ज्यादा. Natural circulation में क्या होता है? डायर ज्यादा होना चाहिए as compared to controlled. Control मतलब फैन वगैरह का. अब नेचुरल में क्या होता है, अपने आप पानी अंदर आता है या अपने आप एसेस अंदर आते हैं, तो डायमीटर कम होगा तो वो पहली बात तो वो फोर्सली आगे बढ़ते हैं, नेचुरली वो आगे बढ़ते हैं, है ना. तो नेचुरली आगे बढ़ने, अब वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्लियर है. तो डायमीटर अगर पतला होगा तो वो अच्छी तरीके से हीट नहीं हो पाएगा, वाटर जो स्टीम में नहीं बदल पाएगा. तो डायमीटर ज्यादा रखते हैं ताकि ज्यादा कॉन्टेक्ट में आए, ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएगा तो ज्यादा स्टीम जनरेट होगी, ठीक है. कॉकरन बॉयलर, कॉकरन बॉयलर कैसा होता है? कॉकरन बॉयलर हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है, हमने दिखाया था हॉरिजेंटल फायर ट्यूब बॉयलर 29, ठीक है. चलिए, द डायमीटर ऑफ कॉर्निस बॉयलर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कॉर्निस बॉयलर का डायमीटर कैसा, किस ऑर्डर में होता है भाई बताइए? यस, 1 to 2 सेंटीमीटर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सिचुएटेड टू मीट fluctuating demand. बताइए. Yes, it is a locomotive. Locomotive में तो हमें अलग अलग time पे अलग अलग speed चाहिए रहता है. तो fluctuating के according steam हमको कभी ज़्यादा चाहिए रहता है, कभी कम चाहिए रहता है. तो ये एक ही है, locomotive वाला ही है ना. Now locomotive boiler is one of the following type: multi-tubular, horizontal तो होता है, internally fired, तीनों option, all the option are correct. Okay. The number of drum in Benson steam generator is no drum. Benson में कोई drum, Benson boiler में कोई drum नहीं होता है. अभी मैं कराया था, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म ही है बस, लास्ट ही क्वेश्चन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the evaporation of 15.653 kg of water per hour from and at 100 degree Celsius is called क्या हो? इवापोरेशन कैपेसिटी, फैक्टर ऑफ इवापोरेशन, इक्विवेलेंट इवापोरेशन या वन बॉयलर एचपी, क्या आंसर हो जाएगा बताइए? यस, इट इज अ वन बॉयलर एचपी. क्या होता है वन बॉयलर एचपी? वन बॉयलर एचपी का मतलब होता है, वन बॉयलर एचपी को डिफाइन करते हैं. कोई पूछेगा आपसे कि वन एचपी ऑफ बॉयलर क्या होता है, तो बताना द इवापोरेशन ऑफ 15.653 केजी ऑफ वाटर पर आवर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज वन बॉयलर एचपी. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपका डेफिनेशन पे है. कोई भी पूछेगा आपसे कि भाई बॉयलर, वन एचपी बॉयलर क्या होता है, तो बताना कि इवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इवापोरेशन ऑफ 15.653 केजी ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट टर्म है, एट पर आवर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना इवापोर, दैट इज कॉल्ड द वन एचपी ऑफ बॉयलर, ठीक है. जनरली बॉयलर की परफॉर्मेंस बता रहा है ना. Now, equivalent evaporation is the amount of water evaporated in a boiler from and at equivalent evaporation by 0 degree Celsius या 100 degree Celsius या saturation temperature at given pressure, room temperature, बताइए भाई क्या हो जाएगा? Yes, 100 degree Celsius, ठीक है, evaporation की बात कर रहा है भाई, water है. General energy equation for system boiler is given by, क्या हो जाएगा general equation? और ये चीज मैं आपको पढ़ाया नहीं था क्या? क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं यार. यस, बताइए जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन. जनरल एनर्जी इक्वेशन फॉर सिस्टम बॉयलर इज गिवन बाय क्यू, क्यू इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. एज्यूम दैट देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉयलर विल बी जीरो. So the for you can use the study flow SFE equation and from that you got your solution. अब देखो कुछ चीजें क्या होती है ना, पहले से आप जो पढ़े हो ना उसी में से SFE equation अगर हम यहाँ पे लगाएं, याद है SFE equation? ये होता है हमारा वर्क डन. तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द बॉयलर विल बी जीरो, क्योंकि बॉयलर वर्क तो करता नहीं है ना बॉयलर, और देयरफॉर एंड पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी जीरो. सो पोटेंशियल एनर्जी ये जो टर्म है और जो वर्क डन है ये हो गया जीरो, क्लियर है.
अब क्या है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो अपन इसमें क्यू के टर्म को, क्यू को लिख सकते हैं एच टू माइनस एच वन, और प्लस में क्या रहेगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, आफ्टर इट विल बी चेंजेस, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया ये इक्वेशन डी वाला। इसे फिर ई इक्वेशन का यूज कीजिए और डायरेक्ट आंसर आएगा। कुछ चीजों को आप पहले जो पढ़े हैं उसमें काम आएगा। द फिजिबल प्लग इज ए स्मॉल बॉयलर इज लोकेटेड इन द ड्रम पे, फायर ट्यूब में, एवव स्टीम डोम में, या ओवर द कंबसन चैम्बर। ओवर द कंबसन चैम्बर, तभी तो फ्यूज मेल्ट होगा और फिर देन पानी कंबसन चैम्बर में आएगा तो बुझ जाएगा, ठीक है। चलिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट एज रिगार्ड टू द कॉर्निस बॉयलर एंड लैंकेसियर बॉयलर। कॉर्निस इज अ फायर ट्यूब, लैंक, देखिए लैंकेसियर क्या था, फायर ट्यूब था, इसमें से चेक कीजिए लैंकेसियर इज अ फायर ट्यूब का ऑप्शन एक ये है, लैंकेसियर हैज वन टू फायर ट्यूब, वन लैंकेसियर हैज टू फायर ट्यूब्स, कॉर्निस हैज वन, कौन सा ऑप्शन सी हो, कॉर्निस इज अ वाटर ट्यूब, बैबकॉक एंड कॉर्निस पढ़ाया था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा एक ही बार में बताओ यार। यस, Lancashire has two fire tube and Cornish has one fire tube boiler. Both are the fire tube boiler. ठीक है? चलिए, if H is the total heat of steam in kilo calorie per kg and H is the small H is the sensible heat of feed water in kilo calorie per kg, then factor of evaporation is, what is the factor of evaporation? क्या formula बनता है? Yes, it's H minus H upon 539. ठीक है? थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट इवापोरेशन ऑफ अ बॉयलर इज अ मेजर टू कंपेयर द गिवन बॉयलर विद द मॉडल, द टू डिफरेंट बॉयलर ऑफ द सेम मेक, टू डिफरेंट मेक ऑफ बॉयलर, बॉयलर परफॉर्मेंस की बात कर रहा है इक्विवेलेंट इवापोरेशन में, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट इवापोरेशन ऑफ बॉयलर इज अ मेजर ऑफ, बताइए, यस इट इज अ मेजर ऑफ एनी टू टाइप ऑफ बॉयलर ऑपरेटिंग अंडर एनी कंडीशन। बस आज के लिए इतना ही, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बॉयलर पे जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और आशा करता हूँ जो चीजें मैंने थ्योरेटिकल में पढ़ाया है वही सब क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।